यस हेलो एवरीवन। चलिए तो हम लोग आज कॉम्बिनेशनल सर्किट के लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं। कुछ एक आधा टॉपिक अगर मिस हो जाएगा तो बाद में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ जब हम एमसीक्यूज करेंगे उसके साथ में हम उसको कवर करते रहेंगे। लेकिन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें कॉम्बिनेशनल सर्किट की हमने कवर कर ली है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पैरिटी चेकर, जिसको कि हमने दो टाइप की पैरिटी चेकर्स होते हैं। एक होता है इवन पैरिटी और एक होता है ऑड पैरिटी। और ये क्या होता है, कहाँ पर यूज आता है, ये सारी बातें आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इसके पहले के अगर वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्रीवियस प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सी लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं और रिमेनिंग सब्जेक्ट जो है वो आने वाले टाइम में कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें। जितने भी लोग लाइव आ गए हैं एक बार हेलो मैसेज कर दो और कन्फर्मेशन दे दो कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। तो स्टार्ट करें फिर हम लोग हमारा नया टॉपिक। तो ये जो नया टॉपिक हमारा है ये किस लिए काम में आता है पहले हम वो समझते हैं और उससे फिर हमें समझ में आएगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये टॉपिक का यूज केस क्या है, कहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन एक बहुत वास्ट डोमेन है, एरर डिटेक्शन। और उसके बाद फिर होता है करेक्शन। अभी हम सिर्फ डिटेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिटेक्शन की बात करने वाले हैं। तो एरर डिटेक्शन से रिलेटेड यहां पर पूरी हम आज बात करने वाले हैं। परफेक्टली ऑडिबल, ठीक है। सत्यम, गुड इवनिंग। मंजीत, नितेश, रोहित, हेलो, गुड इवनिंग। चलो तो एरर डिटेक्शन मतलब क्या होता है और एरर क्या होता है। एरर मतलब हमें पता है कि कुछ गलती हो जाना, गलती हो जाना ही हम क्या कहते हैं, एरर। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं सेंडर और रिसीवर की। यहाँ पर इसमें से कई सारी चीजें आपको नेटवर्किंग में पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका कोई एक सेंडर हो सकता है और यहां पर आपका होगा रिसीवर, ठीक है। तो यहां पर आपका सेंडर होगा और यहां पर आपका रिसीवर होगा, ठीक है। तो आपका जो सेंडर है वो कुछ एक मैसेज भेजेगा जो रिसीवर के एंड पे रिसीव होने वाला है, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लो सेंडर ने कोई मैसेज भेजा जो रिसीवर के पास पहुंचा। अब यहां पर ये जो रास्ते में हो सकता है कि डेटा जो है वो करप्ट हो सकता है, चांसेस है कि जो डेटा है आपका वो करप्ट हो सकता है। इसका मतलब कि उसमें कुछ गलती हो सकती है। किस तरह से करप्शन हो सकता है, जैसे कि मान लो कि कोई भी रीजन हो सकता है, मान लो कि नॉइज के कारण, ठीक है। नॉइज मतलब कि कोई भी रीजन हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि अगर हमने यहां से यहां तक अगर भेजा है तो बीच में कुछ उसके साथ दुर्घटना बोल लो, है ना, दुर्घटना ही बोल सकते हैं और क्या। तो मान लो कि उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई हमारे डेटा के साथ में, तो हमारा जो डेटा है वो चेंज हो जाएगा। ऑब्वियसली हम डिजिटल डेटा भेजते हैं, मतलब 0-1 के फॉर्मेट में हम कोई भी डेटा भेजेंगे तो इसका मतलब है कि 1 जो है वो 0 बन जाए या फिर 0 जो है वो 1 बन जाए। तो जो हम यहाँ पर भेज रहे हैं वो रिसीवर के एंड पे पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा सही तरीके से, इस बात की गारंटी नहीं होती है, ठीक है। तो अगर मान लो कि हमने कोई डेटा यहाँ से भेजा है और वो यहाँ पर गलत पहुंचा है तो इसका मतलब कि एरर आ गई है। तो अब दो चीजें होती हैं अगर कोई इसमें एरर आ जाती है तो। पहला तो होता है एरर का पता लगाना, डिटेक्ट करना, और दूसरा होता है उसको करेक्ट करना, करेक्शन करना, ठीक है। तो करेक्शन वाला पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एरर डिटेक्शन। मतलब पता क्या लगाना पड़ेगा कि एरर आई है। जैसे कि मान लो कि आप बीमार हो, है ना। तो आप अगर बीमार हो तो पहले क्या करोगे, आप बीमारी का पता लगाओगे, डिटेक्ट करोगे कि कौन सी बीमारी है, उसके बाद उसको करेक्शन करोगे। मतलब फिर उसको आप ठीक करने की कोशिश करोगे कि इस बीमारी को कैसे ठीक किया जाए। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपने कोई डेटा भेजा है तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपके डेटा में कोई एरर है या नहीं। अगर एरर आपको पता चल जाती है तो ही आप उसमें करेक्शन कर सकते हो। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सिंगल बिट एरर डिटेक्शन, सिंगल बिट एरर डिटेक्शन, ठीक है। मतलब कि अगर आपने जो डेटा भेजा है, ठीक है, अगर आपने जो डेटा भेजा है अगर उसमें सिर्फ एक ही बिट की अगर गलती है, ठीक है, अगर उसमें एक ही बिट की अगर कोई गलती है या एरर है तो ही हम इसको डिटेक्ट कर पाएंगे इवन और ऑड पैरिटी वाली मेथड से, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा होता है कि कई सारे मेथड्स हैं, कई सारी मैकेनिज्म हैं एरर को डिटेक्ट करने के लिए। ये एक मात्र अकेला तरीका नहीं है लेकिन ये सबसे सिंपल और इजी मेथड है एरर को डिटेक्ट करने का। लेकिन ऑब्वियसली अगर सिंपल है और इजी है इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ कमी होगी, इसमें कुछ ना कुछ खामी होगी। और वो कमी और खामी क्या है कि अगर आपका जो डेटा है उसमें सिर्फ अगर एक ही बिट,
सिंगल बिट, अगर सिर्फ एक बिट अगर गलत होती है, चेंज होती है, तो ही हम इस मेथड से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा बिट अगर चेंज हो जाती है तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, नहीं कर सकते इसमें। जैसे कि मान लो 101101, मान लो 10101 हमने भेजा था और रिसीवर के एंड पे रिसीव हो गया 11101, मतलब सिर्फ एक ही बिट जो है वो चेंज हुई है, ठीक है ना। आप यहाँ पर जीरो था, जीरो की जगह यहाँ पर वन आ गया, तो सिर्फ एक ही बिट का अगर चेंज हुआ है तो आप डिटेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर एक से ज्यादा बिट अगर चेंज हो गई है तो आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। अभी हम सिर्फ पता लगा रहे हैं कि एरर आई है या नहीं, करेक्शन की बात हम बाद में कभी करेंगे, ठीक है। अगर हो सका तो इस वीडियो में, नहीं तो हम नेक्स्ट किसी वीडियो में करेंगे, उसके लिए हम हैमिंग कोड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि डिटेक्शन कैसे होगा। पहले ये बताओ, यहां तक जो मैंने बात बोली है वो क्लियर है कि हम पढ़ने के हवाले हैं, ये बात क्लियर हो गई। फिर पैरिटी चेकर, पैरिटी क्या होता है वो मैं बताता हूँ। पैरिटी मतलब एक ऐसी बिट होती है जो कि आपका पता लगाने में काम आएगी कि एरर आई है या नहीं, ठीक है। यहां तक सारी बातें क्लियर है, गुड। चलो तो अब हम जो यूज करने वाले हैं, ऑब्वियसली अगर हम कोई यहां से डेटा ट्रांसमिट करेंगे, मान लो कि हम कोई डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उसके साथ में हम कुछ एक्स्ट्रा बिट्स को भेजेंगे, कुछ एक्स्ट्रा बिट्स को भेजेंगे, और उन बिट्स को ही हम बोलते हैं पैरिटी, ठीक है। जो हम एक्स्ट्रा बिट्स यहां पर भेजने वाले हैं उन्हीं को हम बोलेंगे पैरिटी। तो जो एक्चुअल मैसेज है ना, मैसेज बोल दो आप शॉर्ट में, तो आप जो एक्चुअल मैसेज भेजना चाह रहे हो उसके साथ में आप कुछ एक्स्ट्रा बिट्स को भेजोगे। अब वो कितनी एक्स्ट्रा बिट हो सकती है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी एल्गोरिदम किस तरह से इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो उसके साथ हम कुछ एक्स्ट्रा बिट्स को भेजते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं पैरिटी, ठीक है। और वो पैरिटी को इस्तेमाल कर रिसीवर के एंड पर रिसीवर चेक करता है कि आपने जो डेटा भेजा है वो सही पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इवन और ऑड पैरिटी। तो इवन और ऑड पैरिटी मतलब क्या होता है, पहले हम देखते हैं इवन पैरिटी। इवन पैरिटी अगर आप समझ लोगे तो ऑड पैरिटी अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इवन पैरिटी क्या कहता है, इवन पैरिटी ये कहता है कि मान लो कि आपने कोई डेटा ट्रांसमिट किया, ठीक है, आपने कोई मैसेज भेजा, 01 के फॉर्मेट में जाएगा, ऑब्वियसली जो भी आप मैसेज भेजोगे वो बाइनरी के फॉर्मेट में ही जाएगा। तो मान लो कि हमने कोई डेटा भेजा 100101, मान लो कि मैंने ये डेटा भेजा। अब आप इसमें काउंट करोगे कि नंबर ऑफ वन कितने हैं, तो कितने नंबर ऑफ वन है, यहाँ पर पहला वन आपको मिल रहा है, यहाँ पर दूसरा वन मिल रहा है, और यहाँ पर तीसरा वन मिल रहा है, मतलब आपके नंबर ऑफ वन कितने हैं, इवन है या ऑड है। तो आप बोलोगे आपके नंबर ऑफ वन जो है वो ऑड है। और इवन पैरिटी ये कहता है कि जब भी आप मैसेज भेजोगे तो नंबर ऑफ वन जो है वो हमेशा इवन ही होंगे, क्योंकि आपने इसका नाम ही रखा है इवन पैरिटी। तो इवन पैरिटी मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी मैसेज भेजोगे तो रिसीवर एंड पे हमेशा नंबर ऑफ वन जो है वो इवन ही पहुंचना चाहिए। अब देखो, या तो इवन होगा नंबर या तो ऑड होगा। तो अगर आपके मैसेज में, ये आपका एक्चुअल मैसेज है, आपके मैसेज में अगर नंबर ऑफ वन जो है अगर वो ऑड है तो उसमें आप एक एक्स्ट्रा पैरिटी बिट ऐड कर दोगे और वो एक्स्ट्रा पैरिटी बिट होगी वन। और जब भी एक्स्ट्रा पैरिटी वन बिट ऐड कर दोगे तो अब जो टोटल नंबर ऑफ वन जो इसमें आ जाएंगे वो हो जाएंगे इवन, और अब आप इस मैसेज को ट्रांसमिट करोगे। बिल्कुल उसी तरीके से ऐसा भी हो सकता था कि आपने मान लो मैसेज भेजा 110101। अब अगर आप यहां पर काउंट करो आप अपने नंबर ऑफ वन को, तो आपका पहला वन यहां पर मिला है, दूसरा वन यहां पर मिल रहा है, तीसरा वन यहां पर मिला है, और चौथा वन यहां पर मिला है। तो आपके मैसेज में ऑलरेडी जो नंबर ऑफ वन है वो इवन है, आपके नंबर ऑफ वन जो है वो ऑलरेडी इवन है। तो यहां पर आपको एक्स्ट्रा बिट तो भेजनी ही है, लेकिन अब आप यहां पर जो एक्स्ट्रा बिट भेजोगे, जो पैरिटी बिट भेजोगे, वो जीरो भेजोगे, ताकि आपका जो नंबर ऑफ वन है वो इवन ही बना रहे। तो ये मैसेज आप भेजोगे तो ये कहलाता है इवन पैरिटी। हाँ बिल्कुल, पैडिंग कह सकते हैं कि एक बिट की हम पैडिंग कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्स्ट्रा बिट भेजोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि इवन पैरिटी मतलब नंबर ऑफ बिट्स जो है वो इवन होगी। अब रिसीवर एंड पे क्या चेक करेगा, रिसीवर ये चेक करेगा कि क्या नंबर ऑफ बिट इवन है। अगर नंबर ऑफ बिट इवन है, अगर रिसीवर एंड पे नंबर ऑफ बिट इवन पहुंची, तो वो समझ जाएगा कि मेरा जो डेटा है वो कहीं पर लॉस नहीं हुआ है, बिल्कुल सही पहुंचा है।
लेकिन अगर उसके पास रिसीवर के पास अगर नंबर ऑफ बिट अगर ऑड पहुंची तो वो समझ जाएगा कि मेरे डेटा में कहीं पर कुछ गड़बड़ी हुई है, मेरे डेटा में एरर हुई है। तो एरर का डिटेक्शन कैसे होगा? एरर डिटेक्शन इस तरीके से होगा कि रिसीवर एंड पर वो चेक करेगा कि जो उसके पास मैसेज पहुंचा है उसमें नंबर ऑफ वन इवन है या नहीं। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो इवन पैरिटी की बात कर रहे हैं, तो वो चेक करेगा कि नंबर ऑफ वन जो है वो इवन है कि नहीं। अगर नंबर ऑफ वन इवन है इसका मतलब कि उसके पास जो मैसेज पहुंचा है वो सही है। अगर नंबर ऑफ वन जो है अगर वो इवन ना हो के अगर ऑड हुए तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पर जो मैसेज पहुंचा है वो गड़बड़ है। और ये सिंगल बिट पे ही काम करता है, सिंगल बिट एरर पे ही डिटेक्ट कर सकता है। सिंगल बिट क्यों? मान लो अगर दो बिट चेंज हो गए, अगर दो बिट चेंज हो गए तो हमें पता ही नहीं लग पाएगा कि हमारा जो मैसेज है वो एरर है या नहीं उसमें। जैसे कि मान लो कि मैंने ये मैसेज भेजा, अब इसमें अगर एक बिट चेंज हो गई, अगर मान लो इस मैसेज में एक बिट अगर चेंज हो गई, जैसे कि मान लो कि ये वाला जो वन है उसको मैं जीरो कर देता हूं, तो मान लो रिसीवर के एंड पे पहुंचा 1000 4 बार 0 है ना, 2 बार 0 फिर 10 और फिर 20 और फिर 11। तो मान लो कि रिसीवर एंड पर ये पहुंचा, रिसीवर के एंड पे ये वाला मैसेज पहुंचा, मतलब कि ये वाला जो वन था वो जीरो हो गया, मतलब एक बिट में अगर एरर आ गई तो वो यहां पर काउंट करेगा नंबर ऑफ वन, तो नंबर ऑफ वन वो काउंट करेगा 1 2 3, तो उसको पता चला कि ऑड नंबर ऑफ वन है। ऑड नंबर ऑफ वन अगर उसको मिला, और अभी जो हम बात कर रहे हैं वो इवन पैरिटी की बात कर रहे हैं, और उसके पास जो नंबर ऑफ वन पहुंचा रिसीवर के पास जो नंबर ऑफ वन पहुंचे वो ऑड पहुंचे, इसका मतलब कि यहाँ पर एक बिट जो है वो कोई सी गलत हो गई है, एरर आ गई है। लेकिन सिर्फ ये एक ही बिट की एरर डिटेक्ट करेगा। अगर मान लो दो बिट गड़बड़ हो जाते, मान लो पहला बिट जो है वो भी गड़बड़ हो जाता, मान लो उसको भी जीरो हो गया, तो एक्चुअल में अब दो बिट एरर गड़बड़ हो गए, दो बिट में एरर आ गई, पहली ये वाला जो है वो भी जीरो हो गया और ये वाला भी जीरो हो गया। तो अगर आपका दो बिट में अगर एरर आ गई तो आप पकड़ ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि अब यहां पर अगर आप काउंट करोगे तो यहां पर दो आपको वन मिल रहे हैं जो कि इवन है, तो आपको लगेगा कि अरे इवन बिट भेजे थे और इवन बिट रिसीव हुए, मतलब कोई एरर नहीं है। इसका मतलब कि अगर एक से ज्यादा बिट अगर एरर आ जाता है, अगर एक से ज्यादा बिट अगर गड़बड़ हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं, तो यहां पर ये मेथड फेल हो जाएगा, ये मेथड वर्क नहीं करेगा। तो ये वाला जो मैं मेथड बता रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बिट की एरर को पकड़ सकता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ऑड नंबर ऑफ बिट्स की एरर को ये पकड़ सकता है। अगर ऑड नंबर ऑफ बिट्स में अगर एरर आ रही होगी तो पकड़ पाएगा, मतलब कि अगर एक बिट गड़बड़ी हुई होगी या 3 बिट की गड़बड़ी होगी या फिर 5 बिट की या 7 बिट की, अगर ऑड नंबर ऑफ बिट्स पे अगर गड़बड़ी होती है तो ये मेथड पकड़ पाएगा कि एरर आई है। लेकिन अगर इवन नंबर की अगर बिट अगर चेंज होती है तो यहां पर ये मेथड काम नहीं करेगा। क्लियर है सर? पर ये तो बहुत ही इनकंसिस्टेंट मेथड रहेगा, लेकिन ये मेथड बनाया क्यों था? मोस्ट ऑफ द टाइम एक बिट ही चेंज नहीं, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल मेथड है। चीजों को आप देखो, जब भी हम कुछ चीज बनाते हैं ना, तो सबसे पहला हमारा मकसद क्या होता है कि पहले छोटी चीज तो छोटा काम तो हम करें। अगर हमने छोटा काम अगर हम करने लग जाएंगे तो फिर धीरे धीरे हम उसको इम्प्रूव करके बड़े पर लेकर जाएंगे। तो पहले जब एरर डिटेक्शन की मैकेनिज्म को लाया गया होगा तो पहले उन्होंने सोचा होगा कि यार पहले एक बिट में एरर तो पता लगा ले, फिर उन्होंने सोचा होगा नहीं यार एक बिट में एरर जो है वो हमेशा काम नहीं करेगी। पहले तो हम ये कोशिश करते हैं कि यार हमेशा एरर आती है, कभी भी पता नहीं चल पाता, एटलीस्ट कभी कभी तो पता चल पाए। तो इस मेथड से हमेशा तो नहीं पता चल पाएगा, लेकिन कभी कभी तो पता चल पाएगा कि एरर आ रही है। अगर कभी कभी भी पता चल जाएगा तो भी हमारा काम कुछ हद तक तो इम्प्रूव हो ही जाएगा, और उसके बाद टाइम के साथ में इम्प्रूवमेंट आता जाता है और चीजों को इम्प्रूव किया जाता है। तो ये एकदम स्टार्टिंग का मेथड है और सबसे ईजी मेथड है। अब जिन लोगों को समझ में नहीं आया मैं उनको शॉर्ट में एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, इवन पैरिटी मतलब कि रिसीवर एंड पे नंबर ऑफ वन जो है वो इवन भेजना है, आई बात समझ में? अगर ऑड पैरिटी होगी इसका मतलब कि सेंडर को रिसीवर के पास ऑड नंबर ऑफ वन भेजना है, आई बात समझ में? इससे इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि इवन है मतलब मैसेज में इवन नंबर ऑफ वन होंगे, ऐसी बात मैंने नहीं कही। ऐसा नहीं मैंने कहा कि अगर इवन है, इवन पैरिटी है, इसका मतलब कि आपको इवन नंबर ऑफ वन भेजना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
अगर इवन पैरिटी है इसका मतलब कि सेंडर जब मैसेज भेजेगा तो उस पूरे मैसेज में इंक्लूडिंग पैरिटी बिट, डेटा प्लस पैरिटी बिट, ये सब मिलाकर जो नंबर ऑफ वन होंगे वो हमेशा इवन होने चाहिए। अब अगर आपके मैसेज में नंबर ऑफ वन अगर ऑड हैं तो उसको इवन बनाने के लिए पैरिटी बिट वन जोड़ोगे, और अगर आपके मैसेज में ऑलरेडी नंबर ऑफ वन इवन है तो आपको पैरिटी बिट जीरो ऐड करोगे ताकि आपका जो मैसेज में नंबर ऑफ वन है वो इवन बना रहे। तो अगर आपका ऑड होगा तो आप वन जोड़ोगे ताकि वो इवन बन जाए, और अगर ऑलरेडी इवन होगा तो आप उसमें जीरो जोड़ोगे ताकि इवन बन जाए। तो एट द एंड आपके मैसेज में इवन नंबर ऑफ वन होंगे और आपने ये भेज दिया रिसीवर के पास। अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर काउंट करेगा कि नंबर ऑफ वन इवन है या ऑड है। अगर वो देखता है कि नंबर ऑफ वन अगर इवन है तो वो मान लेगा कि यहाँ पर एरर नहीं आई है, और अगर नंबर ऑफ वन अगर उसके पास ऑड पहुंचे तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पर एरर आई है। लेकिन वो सही से पता कब कर पाएगा, वो सही से पता तब कर पाएगा जब नंबर ऑफ बिट जो चेंज हुई है वो एक ही बिट चेंज हुई हो। अगर एक बिट चेंज हुई होगी या फिर तीन या फिर पांच या फिर सात, वैसे तो ये कहा जाता है कि सिंगल बिट के लिए, लेकिन एक्चुअल में तीन बिट और पांच बिट और सात बिट, मतलब ऑड नंबर ऑफ बिट अगर आपकी चेंज हुई है तो ये मेथड काम करेगा। लेकिन थ्योरेटिकली आपको ये बुक्स में देखने को मिलेगा कि सिंगल बिट के लिए ये काम करता है, लेकिन एक्चुअली में ये ऑड नंबर ऑफ बिट के लिए भी काम करता है। अगर एक बिट चेंज हो गई है तो भी ये बता देगा, अगर तीन बिट चेंज हो गई है तो भी ये बता देगा, पांच बिट चेंज हो गई है तो भी बता देगा। हाँ, अब इसमें जोर गेट काम करेगा, बिल्कुल सही कहा आपने, ये कॉन्सेप्ट तो जोर गेट और एक्सनॉर, बिल्कुल अभी जब इसको हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम जोर गेट और एक्सनॉर गेट ही यूज करने वाले हैं, बिल्कुल सही समझा, ठीक है ना। अब आपको ये समझ में आ गया इवन पैरिटी अगर किसी सबको समझ में आ गया, और अगर नहीं समझ में आया तो अभी ऑड पैरिटी से और क्लियर हो जाएगा। वैसे तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, लेकिन ऑड पैरिटी से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑड पैरिटी में क्या होगा, ऑड पैरिटी में जब सेंडर मैसेज भेजेगा तो उसमें नंबर ऑफ वन जो होंगे वो ऑड होंगे, ठीक है ना। तो अगर आप खुद बताना, अब आप खुद बताना कि मुझे पैरिटी बिट जीरो लगानी है या वन लगानी है, आप खुद बता देना, ठीक है। मान लो मुझे मैसेज भेजना है 101101, मान लो मुझे ये मैसेज भेजना है, तो बताओ मैं इस मैसेज में पैरिटी बिट क्या लगा के भेजूंगा, बताओ इसमें मैं पैरिटी बिट वन लगाऊंगा या जीरो लगाऊंगा। ये मेरा मैसेज है और ये मैसेज मुझे सेंड करना है, तो मैसेज के साथ में मुझे एक पैरिटी बिट को भी जोड़ना पड़ेगा, तो मुझे बताओ कि यहाँ पर जीरो ऐड करके भेजूंगा या मैं वन ऐड करके भेजूंगा, बताओ जल्दी से सब लोग कि मैसेज मुझे ये वाला सेंड करना है रिसीवर के रिसीवर को, तो इसके साथ ये मैसेज है, मैसेज के साथ मुझे एक पैरिटी बिट जोड़नी पड़ेगी, तो मैं यहां पर जीरो लगाऊंगा या वन लगाऊंगा। देखो ऑड पैरिटी है, ऑड पैरिटी है मतलब मुझे जो नंबर ऑफ वन भेजना है वो ऑड होने चाहिए। अभी मेरे पास नंबर ऑफ वन कितने हैं, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, तो अभी मेरे पास नंबर ऑफ वन जो है वो फोर है, लेकिन मुझे भेजना क्या है, ऑड पैरिटी है। ऑड पैरिटी है मतलब मुझे नंबर ऑफ वन जो भेजना है वो ऑड भेजना है, इसलिए मुझे एक वन अपेंड करना पड़ेगा ताकि मेरे मैसेज में नंबर ऑफ वन जो है वो ऑड हो जाए। तो यहां पर जो मुझे पैरिटी बिट जोड़ना पड़ेगा वो वन जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर जो मुझे पैरिटी बिट जोड़ना पड़ेगा वो वन जोड़ना पड़ेगा। एक और एग्जांपल से बताना, मान लो मुझे मैसेज भेजना है 101001, मान लो मुझे ये मैसेज सेंड करना है रिसीवर को, रिसीवर के पास सेंड करना है, तो बताओ ये मेरा मैसेज हो गया, तो मुझे यहाँ पर पैरिटी बिट क्या जोड़नी पड़ेगी, वन जोड़नी पड़ेगी या जीरो जोड़नी पड़ेगी, अगर मैं ऑड पैरिटी की बात करता हूं तो। अब सबका आंसर सही आना चाहिए, बताओ, बिल्कुल सही कहा, जीरो, वेरी गुड। अब आपको समझ में आ गया सबको, तो अब यहां पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास नंबर ऑफ बिट कितने हैं, वन वन है, टू है, थ्री है, मतलब मेरे पास तीन वन है, तीन वन है मतलब ऑलरेडी मेरे पास जो नंबर ऑफ वन है वो ऑड है, तो इसलिए मैं जीरो अपेंड करके इस मैसेज को भेजूंगा, मतलब अब जो मैं पैरिटी बिट जोड़ूंगा वो जीरो जोड़ूंगा ताकि रिसीवर के पास ऑड नंबर ऑफ वन आ जाए। अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर ये चेक करेगा कि नंबर ऑफ वन इवन है या ऑड है। अगर नंबर ऑफ वन अगर ऑड है और ऑड पैरिटी पे अगर हम काम कर रहे हैं, और रिसीवर भी फिर चेक करेगा कि नंबर ऑफ वन ऑड है क्या,
अगर नंबर ऑफ वन ऑड है तो वो ये मान लेगा कि एरर नहीं आई है, और अगर नंबर ऑफ वन अगर इवन आए तो वो मान लेगा कि एरर आई है। ये बात क्लियर हो गई सबको? इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, बताओ जरा। ठीक है, अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं। पहले बताओ, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, क्लियर है सबको? ठीक है, चलो अब हम समझते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। बहुत आसान है इसको इंप्लीमेंट करना। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें ZOR एंड XNOR गेट की हमें जरूरत पड़ेगी। ZOR गेट और XNOR गेट हमें हमारा काम करने में मदद करेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मान लो मैंने लिखा 1 XOR 1 तो क्या होता है, 1 XOR 1 क्या होता है, सेम पर देता है 0, सेम पर क्या देता है 0, ठीक है, और डिफरेंट पे क्या देता है, डिफरेंट पे देता है 1। ये बात आपको पता है XOR गेट की प्रॉपर्टी, अगर सेम होता है तो 0 देता है और डिफरेंट होता है तो 1 देता है, ठीक है ना। मतलब अगर इवन नंबर ऑफ 1 होंगे तो ये 0 देगा, और अगर ऑड नंबर ऑफ 1 होंगे तो ये 1 देगा। आप चेक कर सकते हो, जैसे कि मान लो मैंने लिखा 1 XOR 1 XOR 1 XOR 1, तो अब आप देखो यहां पर मेरे पास नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 4 है, तो 1 XOR 1 कितना हो जाएगा, 0, और 0 XOR 1 क्या हो जाएगा, 1, और फिर से 1 XOR 1 करोगे तो आ जाएगा 0। मतलब कि अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ 1 होंगे तो ये 0 दे देगा, और अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ 1 होंगे, अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ 1 होंगे तो ये 1 दे देगा। तो ये आपके XOR गेट की प्रॉपर्टी हो गई। इसी का बिल्कुल उल्टा काम करने वाला है XNOR। XNOR इसका उल्टा काम करेगा। अगर आपके नंबर ऑफ 1 XNOR ऐसा बनाते हैं, XNOR ऐसा बनाते हैं, ठीक है, अगर आपके नंबर ऑफ 1 अगर इवन होंगे तो ये 1 देगा, और अगर आपके नंबर ऑफ 1 अगर ऑड होंगे तो ये 0 देगा। बिल्कुल अपोजिट काम करता है XOR का। XOR का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो XNOR बन जाएगा, XNOR का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो XOR बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके नंबर ऑफ 1, फिर से मैंने XOR बना दिया, अगर आपके नंबर ऑफ 1 अगर इवन है, अगर आपके नंबर ऑफ 1 अगर इवन है तो जो आपका XNOR है वो क्या देगा, 1, और अगर आपके नंबर ऑफ 1 अगर ऑड है तो ये क्या देगा, 0 देगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। तो अब बहुत सिंपल है, आप क्या करोगे, आप अपना XOR गेट लगा दोगे, बस बन गया आपका, आपका बन गया पैरिटी जनरेटर या चेकर, पैरिटी चेकर बन गया आपका। आप यहां पर अपने सारे बिट्स को सप्लाई करोगे, मैसेज बिट इंक्लूडिंग पैरिटी बिट, ठीक है, यहां पर आप अपना मैसेज सप्लाई कर दोगे, मान लो 1 0 1 1, मान लो आपने ये भेजा, ठीक है, तो क्योंकि आपके ऑड नंबर ऑफ 1 आए हैं तो ऑड नंबर ऑफ 1 आए हैं तो यहां पर आ जाएगा आपका 1, तो यहां पर अगर 1 आएगा तो ये बन गया ऑड नंबर ऑफ 1 के लिए, ठीक है, और अगर आपके इवन अगर होगा तो यहां पर वो भेज देगा 0। तो अगर आपको डिटेक्ट करना है कि नंबर ऑफ 1 ऑड है या इवन है तो वो आपको इसको देखकर समझ में आ जाएगा 1 है या 0 है। आ गई बात समझ में, क्लियर है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से अगर आप XNOR अगर आपने लगा दिया, अगर आपने XNOR लगा दिया, XNOR लगा दिया यहां पर, ठीक है, अगर आपने यहां पर XNOR लगा दिया तो 0 मतलब बताएगा ऑड नंबर ऑफ 1 है, और 1 अगर आ गया तो इवन नंबर ऑफ 1 है, ठीक है ना, बस आपका काम हो गया। अब आपका इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी चेक करने के लिए आपके पास, आपको सर्किट में कुछ बनाना ही नहीं है। अब हमें ये बनाना है सर्किट कि हमें जो पैरिटी ऐड करनी है वो 0 ऐड करनी है या 1 ऐड करनी है, वो हमें बनाना है। ये देखो, ये जो मैंने सर्किट बनाया है किसका बना, ये पैरिटी चेकर का सर्किट बन गया। पैरिटी चेकर मतलब कि ये चेक कर लेगा, इसमें आप जो भी इनपुट दोगे, मैसेज प्लस पैरिटी बिट, आप पूरा मैसेज इसके अंदर भेज दो जितने भी बिट का है, तो वो यहां पर आउटपुट में आपको बता देगा कि ये ऑड नंबर ऑफ 1 है इसके अंदर या इवन नंबर ऑफ 1 है। आप XOR भी लगा सकते हो, XNOR भी लगा सकते हो। अगर आप XOR लगा रहे हो तो 1 बताएगा ऑड नंबर ऑफ 1 को और 0 बताएगा इवन नंबर ऑफ 1 को। उसी तरह से अगर आप XNOR लगाते हो तो 0 बताएगा ऑड नंबर ऑफ 1 को और 1 बताएगा इवन नंबर ऑफ 1 को। ये तो आपका बन गया पैरिटी चेकर। अब आपको पैरिटी बिट डिसाइड करना है
कि जीरो लगेगा या वन लगेगा, वो उसका सर्किट अब हम बनाते हैं। ये क्लियर हो गया, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, बताओ इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। तो फिर अब हम बनाते हैं पैरिटी जनरेटर, सॉरी पैरिटी कौन सी बिट ऐड करनी है। ठीक है, अब देखो मान लो मैं चार बिट का एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि मान लो मेरा एक ये बिट है जो मुझे भेजना है रिसीवर को, एक दूसरा बिट है, एक तीसरा बिट है, एक चौथा बिट है। मान लो मैंने ये चार बिट लगा दिए, ठीक है, और चारों बिट को मैं डाल देता हूँ किस में, XOR गेट में डाल देता हूँ। ठीक है, चारों को मैं डाल देता हूँ XOR गेट में, एक बिट, दूसरी बिट, तीसरी बिट एंड फोर्थ बिट। ठीक है, सारी बिट्स को मैं XOR गेट में सप्लाई कर देता हूँ। ये मेरा एक XOR गेट में यहाँ पे लगाने वाला हूँ, ये दूसरी बिट आ गई, ये तीसरी बिट और ये चौथी बिट। ठीक है, और यहां से मैं XOR गेट से आउटपुट में पैरिटी निकाल दूंगा। अब यहां पर आप XOR भी लगा सकते हो और XNOR भी लगा सकते हो, डिपेंड कि आपको इवन पैरिटी वाला बनाना है या ऑड पैरिटी। आप बताना कि ये इवन पैरिटी वाला बना है या ऑड पैरिटी वाला। ठीक है, आप बताना अभी ये जो मैंने बनाया है ये इवन पैरिटी वाला बनाया है या ऑड पैरिटी वाला। ये मेरा एक इनपुट, ये दूसरा इनपुट, यहां पर तीसरा इनपुट आएगा और यहां पर चौथा इनपुट आएगा। ठीक है, ये मेरा ये इनपुट यहां से कनेक्शन होगा, ये यहां से कनेक्शन होगा। तो यहां से मैंने दिया इनपुट I0, I1, I2, I3। ये मेरा मैसेज मैंने भेजा, चार बिट का मैंने मैसेज भेजा जो कि एज इट इज आएगा आउटपुट में भी, I0, I1, I2, I3, और यहां पर मेरा एक पैरिटी आउटपुट में आएगा। ठीक है, तो अपने आप ये जो XOR है ये आपको दे देगा आउटपुट में कि पैरिटी। अब मुझे बताओ कि ये मैंने जो सर्किट बनाया है ये इवन पैरिटी का है या ऑड पैरिटी का है। ये मेरा सर्किट बनके तैयार हो गया, इसको मैंने बॉक्स के अंदर पैक कर दिया। तो यहां से मैंने 4 बिट सेंड किया, यहां से मैंने 4 बिट इसके अंदर डाला और मुझे आउटपुट में क्या मिला, 5 बिट। ठीक है, मतलब कि मेरे पास मैसेज में एक पैरिटी बिट जुड़ गया। अब मुझे बताओ कि ये जो मैंने सर्किट बनाया है ये इवन पैरिटी के लिए काम करेगा या ऑड पैरिटी के लिए काम करेगा, बताओ जल्दी। तो जैसे कि मान लो मैंने एग्जांपल लेके सोच लेता हूं, है ना, मुझे मान लो नहीं पता तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैं यहां पे डाल देता हूं 1111। ठीक है, तो यहां पर मैंने 1111 अगर इनपुट दिया तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा आउटपुट में, मुझे यहां पर आउटपुट में मिलेगा 0। मतलब अगर मेरे पास नंबर ऑफ वन अगर इवन होंगे तो मेरे पास पैरिटी बिट आएगा 0। इसका मतलब यहां पर मेरे पास नंबर ऑफ वन कितने आने वाले हैं, इवन। मतलब ये मेरा इवन पैरिटी जनरेट करने वाला है, ये इवन पैरिटी का सर्किट हो गया मेरे पास। तो ये मुझे जो मैसेज दे देगा वो किसका दे देगा, इवन पैरिटी का। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां पर ये जो सर्किट है ये मेरा किस काम में आएगा, इवन पैरिटी बनाने में काम आएगा। आई बात समझ में? अगर मुझे ऑड पैरिटी का बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, अब ये बताओ। अगर मुझे ऑड पैरिटी वाला सर्किट अगर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, बताओ। ये तो मेरा हो गया इवन पैरिटी जनरेटर, इसको हम क्या बोलते हैं, जनरेटर। जनरेटर क्यों है, क्योंकि ये पैरिटी जनरेट कर रहा है, इवन पैरिटी को जनरेट कर रहा है। ठीक है, बस अगर मुझे इसको ऑड पैरिटी जनरेटर बनाना है तो बस और कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहां पर XNOR बना देंगे, है ना, XNOR गेट डाल देंगे तो ये ऑड पैरिटी जनरेटर बन जाएगा। तो फिर अगर मेरे पास यहां पर अगर इवन नंबर ऑफ वन है तो यहां पर मेरे पास पैरिटी बिट क्या आ जाएगी, तो फिर यहां पर मेरे पास पैरिटी बिट वन आ जाएगी, क्योंकि अगर मेरे पास 111 अगर मैंने डाल दिया तो आउटपुट में मुझे 1 मिलेगा। तो यहां पर मेरा इवन पैरिटी ऑफ इवन पैरिटी ऑड पैरिटी पे काम करेगा ये। ठीक है ना, तो ये हमारे पास हो गया ऑड पैरिटी जनरेटर, क्लियर हो गया। और रिसीवर एंड पे क्या होगा, रिसीवर एंड पे बहुत सिंपल है। अब ये हो गया सेंडर एंड पे, ठीक है ना, ये कहां पर लगेगा, ये लगेगा सेंडर के एंड पे। सेंडर क्या करेगा, अपना मैसेज भेजेगा इसके अंदर और यहां से ये मैसेज जाएगा। अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर क्या करेगा बताओ, रिसीवर क्या करेगा,
रिसीवर अगर यहां पर एक्सनॉर लगाया है तो वो रिसीवर क्या करेगा, यहां पर भी एक्सनॉर लगाएगा, रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर यहां पर एक्सनॉर लगा देगा और उसको पता चल जाएगा कि यहां पर ऑड नंबर ऑफ वन आ रहा है या ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ वन आ रहा है। आ गई बात समझ में? देखो अब अगर मान लो मैंने यहां पर भेजा वन 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 वन, क्योंकि यहां से मैंने वन 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 भेजा है तो चार वन थे, चार वन इसके अंदर गए तो इसने भी वन भेज दिया, अब यहां पर सारे वन आ गए, यहां पर सारे वन आ गए मतलब ऑड नंबर ऑफ वन आ गए, तो ऑड नंबर ऑफ वन के लिए आउटपुट में क्या देगा, वन, तो ऑड नंबर ऑफ वन के लिए वन दे दिया, इसका मतलब कि ऑड पैरिटी है, इसका मतलब कि कोई भी एरर नहीं है। आई बात समझ में? कोई भी एरर नहीं है, अगर आउटपुट में अगर जीरो आता मतलब कि ये एरर दे देता। तो यहां ये कहां पे लगेगा, ये लगेगा रिसीवर के एंड पर, ठीक है, तो ये सेंडर के एंड पे लगेगा और ये लगेगा रिसीवर के एंड पे, तो रिसीवर अपने एंड पे ये एक्सनॉर लगा देगा अकेला और चेक कर लेगा कि यहां पर ऑड नंबर ऑफ वन आए हैं या इवन नंबर ऑफ वन आए हैं। आ गया समझ में सबको? अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक है ना? और अगर इवन पैरिटी वाला बनाते तो क्या होता, इवन पैरिटी के लिए, इवन पैरिटी के लिए हम यहां पर जोर लगाते और यहां पर भी जोर लगाते, ठीक है, इवन पैरिटी के लिए, इवन पैरिटी के लिए हम यहां पर भी जोर लगाते और यहां पर भी जोर लगा देते, बस हमारा काम हो गया, ठीक है। तो इवन पैरिटी के केस में क्या होगा, यहां पर वन 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 भेजेंगे तो यहां पर आ जाएगा जीरो, और फिर यहां पर भी वन 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 भेजेंगे तो यहां पर आ जाएगा क्या, जीरो, तो जीरो हमें बता देगा कि हमारा जो मैसेज है वो करेक्ट है। क्लियर हो गया सबको? तो ये इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, अब ये कहलाता है पूरा का पूरा एरर डिटेक्शन मेथड। ये पूरा मेथड क्या कहलाता है, ये पूरा कहलाता है एरर डिटेक्शन। ठीक है, अब एरर करेक्शन के लिए क्या होता है, एरर करेक्शन के लिए आप लोग यूज करते हैं हैमिंग कोड। हैमिंग कोड एक्चुअल में हम लोग नेटवर्किंग में पढ़ेंगे, वैसे तो हैमिंग कोड होता है। हैमिंग कोड की मदद से हम ये पता लगा लेते हैं कि कौन सी बिट करप्ट हुई है। आपको मैं एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूं हैमिंग कोड का, कि होता क्या है हैमिंग कोड। एक्चुअल में जो भी हम ये भेज रहे हैं, ये तो हमने एक ही बिट जोड़ी है ना, हैमिंग कोड मान लो कि नॉर्मली 7 बिट के लिए वर्क करता है, तो मान लो कि हमारे पास 7 बिट्स हैं, ठीक है, तो जैसे कि मैं 7 बिट मान लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, मान लो कि मैंने 7 बिट का मैसेज भेजा है, ठीक है, तो हमारा इसमें क्या होगा, इसमें हमारा मैसेज भी होगा प्लस पैरिटी बिट भी ऐड होगी, ठीक है ना, ये जो हम मैसेज, ये जो हमने ट्रांसमिट करेंगे इसमें मैसेज भी होगा और पैरिटी बिट भी होगी। और पैरिटी बिट कहाँ कहाँ पे होगी, पैरिटी बिट होती है 2 की पावर 0 पर, 2 की पावर 1 पर और 2 की पावर 2 पर, अगर और आगे होगा तो 2 की पावर 3 पर होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी पैरिटी बिट लगती है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक पैरिटी बिट यहाँ पर आएगी, एक पैरिटी बिट यहाँ पर आएगी और एक पैरिटी बिट यहाँ पर आएगी, मतलब कितनी पैरिटी बिट हम भेजने वाले हैं, 3 पैरिटी बिट भेजेंगे और बाकी 4 बिट में हमारा मैसेज जाएगा। तो एक्चुअली में हम 7 बिट भेज रहे हैं लेकिन उसमें से 4 बिट ही हमारा एक्चुअल मैसेज होगा और 3 बिट हमारी पैरिटी के लिए जाएगी। और वो 3 बिट पैरिटी किस पे डिपेंड करती है, कि हम 2 चीजों पे डिपेंड करेगी, एक तो इवन पैरिटी है या ऑड पैरिटी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसाइड होगा कि यहाँ पर 0 आएगा या 1 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा या 1 आएगा और यहाँ पर 0 आएगा या 1 आएगा। और दूसरा एक रूल को फॉलो करेगा, जो हैमिंग कोड एक रूल दिया है हैमिंग कोड ने, उस रूल को फॉलो करेगा, मतलब वो बताएगा कि पहली वाली पैरिटी बिट में 1 या 0 आएगा वो कौन से नंबर ऑफ के बिट को इस्तेमाल करा जाएगा, मतलब कि हमारे पास ये 4 बिट हैं, इन 4 में से कौन से 3 बिट को सिलेक्ट करा जाएगा, 3 ही 3 बिट को सिलेक्ट किया जाएगा 4 में से, तो 4 में से कौन से 3 बिट को हम लेकर डिसाइड करेंगे कि यहां पर 0 लगाना है या 1। फिर अगले कोई से 3 बिट को हम डिसाइड करके ये करेंगे कि यहां पर 0 लगाना है या 1,
ठीक है। तो इस तरीके से हैमिंग कोड को एक अलग वीडियो में मैं कवर करवाऊंगा, जिसमें मैं हम पूरा हैमिंग कोड से रिलेटेड पढ़ाई करेंगे। लेकिन अभी इन शॉर्ट मैंने ये बता दिया आपको कि अभी हमने सिर्फ ये पता लगाया है कि एरर आई है या नहीं, ठीक है। हैमिंग कोड से हम पता भी लगाएंगे कि एरर आई है या नहीं, और फिर उसको करेक्ट भी करेंगे, है ना। छोड़ो अभी, अभी हैमिंग कोड छोड़ दो, अभी इसको उसको किसी दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, है ना, क्योंकि उसको समझाने के लिए पूरा बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको सिर्फ नाम बता दिया है ताकि आप लोग जब पढ़ेंगे नेटवर्किंग के टाइम पे हम पढ़ेंगे इसको, उसमें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा उसमें, क्योंकि कई सारे और भी हम एल्गोरिदम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी इस चीज को छोड़ दो, फालतू कंफ्यूजन अभी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे इस टॉपिक, इस वीडियो से हम हैमिंग कोड पे अभी बात नहीं करेंगे, उसको हमने मैंने सिर्फ आपको एक हिंट दे दी है, ठीक है, क्लियर है। उसको एक अलग वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए, तो आई थिंक आज जितना मैंने आप लोग को पढ़ाया है, इस तरीके से हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट वाला पार्ट खत्म हो गया है। कुछ एक आध क्लास अगर मुझे लगेगी तो एमसीक्यूज हम लोग कर लेंगे, और उसके बाद हमारा डिजिटल लॉजिक का हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लास्ट चैप्टर, जो कि रहेगा सिक्वेंशियल सर्किट पर, ठीक है। और इस तरीके से हमारा आई थिंक नेक्स्ट वीक तक में हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट खत्म कर दूंगा मैं, और उसके बाद फिर हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो बस नेक्स्ट वीक तक और बने रहिए ताकि हम हमारा ये वाला सब्जेक्ट जो है वो प्रॉपरली फिनिश कर दे और अगले सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक का आपको क्लियर रहा होगा, इसमें तो किसी कोई डाउट नहीं है। तो संडे में आप लोग का कॉम्बिनेशनल सर्किट आएगा, और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस को मैं सिक्वेंशियल सर्किट के भी दूँ, तो प्रैक्टिस कर लेना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, ठीक है। और रहेगा तो कुछ कल मैं जो है कुछ एमसीक्यूज भी आपको करवा दूंगा, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह के एमसीक्यूज इस टॉपिक पर आ सकते हैं, ठीक है। और बाकी कुछ चीजें होंगी तो वो मैं एमसीक्यू के साथ साथ ही डिस्कस करके बताते जाऊंगा, अगर कुछ टॉपिक रह जाता है तो, ठीक है। चलिए, तो मैं क्लास को एंड करता हूँ, थैंक यू वेरी मच।